गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट लेसन 1 इन मॉरल वैल्यू। आज हम अपने मॉरल वैल्यू का लेसन 1, जो कि क्या है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। अपन ने इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी कर लिया था। क्वेश्चन ए अपना था टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्वेश्चन नंबर बी था फिल इन द ब्लैंक्स। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपको उसके आंसर बताने हैं। जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ गॉड गिवन टू द कुकू एंड द नाइटेंगल। जो गॉड है उन्होंने कुकू एंड नाइटेंगल जो बर्ड है उनको क्या दिया है, तो ही हैज़ ब्लेस्ड द कुकू एंड द नाइटेंगल विद द मेलेडियस चिरपिंग। इसका आंसर क्या होगा कि कुकू और नाइटेंगल को भगवान ने, मतलब ही अपन यहाँ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, गॉड के लिए, मतलब ईश्वर के लिए, तो भगवान ने कुकू और नाइटेंगल को मेलेडियस चिरपिंग, मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ दी है। तो इसका आंसर होगा ही हैज़ ब्लेस्ड द कुकूस एंड द नाइटेंगल विथ मेलेडियस चिरपिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु हैज़ क्रिएटेड ऑल द ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्य को किसने बनाया है, मतलब सभी ह्यूमन बींग्स को किसके को किसने बनाया है, किसने मतलब बनाया था। तो ये अपन सबको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स को गॉड ने बनाया, तो गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल द ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ गॉड गिवन टू मैन, भगवान ने मनुष्य को क्या दिया है। इस क्वेश्चन की हिंदी है कि भगवान ने मनुष्य को क्या दिया है, तो इसका आंसर है ही हैज़ गिवन हिम ए साउंड। ही अपन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ही यहाँ पे अपन गॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ही हैज़ गिवन हिम ए साउंड, ईश्वर ने मनुष्य को एक आवाज़ दी है, एंड डेवलप माइंड, एक विकसित दिमाग दिया है, हार्ट मतलब एक दिल दिया है, बॉडी मतलब एक शरीर दिया है, एंड सॉल मतलब एक आत्मा दी है। तो इसका आंसर हुआ ही हैज़ गिवन हिम ए साउंड एंड डेवलप माइंड हर्ट बॉडी एंड सॉल। तो ये था आपका लेसन नंबर 1, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स।